खबर अकोला जिले से है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होने वाला था, जो कि बीजेपी विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन के कारण खाली हो गई थी, जिसके तहत ही जिले में दूसरे चरण के अकोला लोकसभा चुनाव के साथ अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई थी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेता विवेक परस्कर के सहयोग से अनिल दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अकोला पश्चिम यूपी चुनाव को लेकर रद्द करने के लिए एक याचिका नागपुर हाईकोर्ट में दाखिल की है, जिस पर 26 मार्च को फैसला सुनाते हुए नागपुर खंडपीठ ने अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया का सफर किस तरह रहा, इस पर हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल और नंद गोपाल पांडे से पत्रकार परिषद के माध्यम से विवेक पारस ने खास बात की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोवर्धन शर्मा जी, उनका निधन हुआ 5-6 महीने पहले। उसके बाद में अचानक से खुद निवडणूक डिक्लेयर कर दी निवडणूक आयोग ने और राज्य सरकार ने। ये निवडणूक जब उन्होंने डिक्लेयर की तब हम सबको धक्का लगा, हमें भी धक्का लगा। ये गलत था, ऐसे हमें शुरू में ही देख लिया था। हमें तो लग रहा था कि ये पुण्यवंतम जाहिर ही नहीं करेंगे, अगर करनी थी लाला जी अगर 3 नवंबर को एक्सपायर हो गए तो 3 दिसंबर को 5 दिसंबर को करनी थी, लेकिन इन्होंने तब कुछ किया नहीं। जब 6 महीने बचे आने वाले आमदार को, उस वक्त उन्होंने अचानक में ये निवडणूक जाहिर की है। इसको हमारे विरोध है, विरोध रहेगा और विरोध था, इसके लिए हम लोग ने सोचा कि इसको अभी चैलेंज करना चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जाके उस पर स्टे लाया है। 20 तारीख को हम हाईकोर्ट गए थे, 28 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है, तो कल का आखिरी दिन है। कल अगर नहीं आता था या तो आज नहीं आता था तो ये निवडणूक लग जाती थी, क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर नोटिफिकेशन के पहले इसको स्टे में आता है तो फिर बाद में स्टे काम नहीं करता है। यहाँ गांधी वकील है, उनके बेटे है गांधी, वो भी नागपुर में रहते हैं, उनकी मदद से हमने पीएल दाखिल की। पीएल दाखिल करने के बाद में वो अच्छी है पीएल, दुबे के लिए लायक है, इसके लिए उसको दाखिल करवा गया और अनिल दुबे जी ने उसको पेपर सिग्नेचर करके वहाँ जमा कर दिए। आज खुशी की बात है कि हमने देश में एक संविधान को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। देश एक तरफ ही चल रहा था, एक तरफ ही चल रहा था, कुछ भी जो मन में आवे कोई पार्टी के वो हो जाता था,